Hello everyone. So welcome to the next lecture series on life processes. Last series में हमने क्या discuss किया था? We have discussed about the types of respiration. We have discussed about the differences between respiration and breathing. और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था different types of respiration कौन से होते हैं? Like respiration in case of aerobic respiration, aerobic and anaerobic respiration. और anaerobic में भी किस तरीके से पाइरोविक एसिड का ब्रेक डाउन होता है इन ईस्ट एंड देन इन द मसल सेल्स. ओके, सो वी हैव डिस्कस दैट इन द लास्ट लेक्चर सीरीज. सो आई होप यू हैव सीन दैट लेक्चर सीरीज. अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले वो देखिए. लाइफ प्रोसेसेस का एक 4-5 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी. ये 6 लेक्चर है. तो इसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन ह्यूमन बीइंग्स. ओके, लेकिन उससे पहले आपको वो सारी लेक्चर सीरीज देखनी पड़ेगी, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन दिस लेक्चर सीरीज. ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद ऑल माय लेक्चर्स ताकि आपको लाइफ प्रोसेसेस अच्छे से समझ में आ जाए. बिकॉज एज फार एज बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एंड ऑल्सो बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी लेंथी और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं. तो मैं आपको साथ के साथ ये भी बताती जा रही हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स एंड आल्सो इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, लाइक बिकॉज आजकल क्या हो रहा है कि जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं दैट एन एवरीबडी कैन आंसर, राइट, बट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन विच यू फेस डिफिकल्टी, द स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली फेस डिफिकल्टी, आर असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, बेसिकली द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. और एंड यू कैन सी दैट नाउअडेज द पैटर्न हैज बीन मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं इसमें आपको साथ के साथ बता दिए जा रही हूँ बिकॉज आई हैव एनालाइज्ड द प्री बोर्ड पेपर्स, सो मेनी प्री बोर्ड पेपर्स, देन आई हैव ऑल्सो एनालाइज द बोर्ड सैम्पल पेपर्स, सीबीएसई सैम्पल पेपर्स जो भी दिए, और मैंने बाकी स्कूलों के पेपर्स भी एनालाइज किए हैं. तो मुझे पता है कि वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद माई लेक्चर. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. लेट मी टेक द पेन. ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स, यू नो दैट. दीज आर अटैच टू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विच ओपन ऑन द आउटसाइड थ्रू नॉस्ट्रल्स. ये भी आपको पता है. नाउ एज फार एज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंसर्न, ये सारे आपको जो स्ट्रक्चर है इसके याद करने पड़ेंगे. एंड ऑल्सो यू नीड टू गो थ्रू द डायग्राम. अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम समझाऊंगी. First is nostrils. You know that there are two nostrils which coverage to form a nasal passage. The inner lining of the nostrils is lined by hair. And you know what is the function of these hair? They trap the air. Okay, they trap the air. और वो trap करते हैं the particles which are unwanted particles. Okay, they trap them ताकि वो जितने भी dust particles हैं वो अंदर ना जा पाएं. And remains wet due to the mucus secretions. The mucus and the hair help in filtering the dust particles out from the inhaled air. Okay, so this is the function of hair. तो हर चीज का एक function है. आपकी body में कोई भी चीज है वो ऐसे ही नहीं है, ठीक है. So the hair which are present in the nostrils, they have got some function. What is the function of them? They help in filtering the dust particles. So that the dust particles, when you inhale the air, dust particles remains trapped और वो आपके अंदर ना जा सके. Further, air is also warmed. और ठंडी हवा को वार्म करने का भी काम करता है ये, व्हेन इट एंटर्स द नेजल पैसेज. देन कम्स फैरिंग्स. इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. आई विल जस्ट शो इट टू यू अबाउट आई विल शो इट टू यू लाइक फैरिंग्स, लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल्स सब दिखाऊंगी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो फैरिंग्स क्या होता है? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कंटिन्यूज आफ्टर द नेजल पैसेज. देन कम्स लैरिंग्स. लैरिंग्स आपने सुना होगा बचपन में, वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसको. This part comes after the pharynx. तो pharynx की अभी sequence भी आपको याद करना है. मैंने आपको sequence बताया था. Digestive system में जब मैं पढ़ा रही थी मैंने बताया था कि sequence से questions बहुत आते हैं. So similarly here, the sequence you have to learn. ठीक है, तो pharynx और larynx में आपको confusion हो सकता है. So सबसे पहले pharynx आता है and then comes larynx which is the voice box. Then comes trachea. Trachea, this is composed of rings of cartilage. Cartilaginous rings prevent the collapse of trachea in the absence of air. Now, from here, very very important question is framed. Just इसमें question objective भी आ सकता है, subjective भी आ सकता है, and in fact assertion reasoning भी आ सकता है question. कि cartilaginous rings का क्या काम होता है? Cartilaginous rings क्या करती है trachea के अंदर?
ये प्रिवेंट करती है ताकि वो कोलैप्स ना हो सके। अगर एयर उसके अंदर नहीं रहेगा, जब भी एब्सेंस ऑफ एयर, जब भी एयर उसके अंदर नहीं होगा, तो वो कार्टिलेजिनस रिंग्स उसको कोलैप्स करने से रोकेंगी। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने स्टार बना दिया है एज फार एज असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन इज कंसर्न। ये हर बार आता है क्वेश्चन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स इन द ट्राकिया? इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ ट्राकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर विच यू हैव टू राइट। देन कम्स ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम्स आउट ऑफ ट्राकिया। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कि ट्राकिया के बाद क्या आता है, पेयर ऑफ ब्रोंकाई आता है विद वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग। देन कम्स ब्रोंक्यूल्स। देन ब्रोंकाई इट डिवाइड्स इन टू वेरी वेरी स्मॉल ब्रांचेस, ओके, एंड सब ब्रांचेस इन साइड द लंग विच आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। देन कम्स एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, एयर सैक, सैक होता है, जैसे बलून का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही एयर सैक होता है, दैट इज एल्वियोलाई। द एल्वियोलस इज कम्पोज ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन एंड इज द प्लेस वेयर ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज दे ओपन। दिस इज एल्वियोलस वेयर द ऑक्सीजन मिक्सिस विद द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट फ्रॉम द ब्लड, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्वियोलाई क्या होता है, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रोंकियोल्स के एंड में एक एयर सैक, बलून का स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसा होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज ओपन होती हैं, और क्या होता है, जब वो ओपन होंगी तो ऑक्सीजन मिक्स होगा ब्लड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करेगा ब्लड से, ओके। सो बेसिकली द फंक्शन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ओके, इन द एल्वियोलाई, ओके। नाउ आई विल शो यू ऑल दी स्ट्रक्चर्स। सी हियर, दिस इज द नेजल पैसेज, ठीक है, यहाँ पे आपके नॉस्ट्रल्स होते हैं, देन यू नो दिस इज द माउथ, माउथ कैविटी, फिर इन नेजल पैसेज के बाद क्या आता है, आपका नॉस्ट्रल्स के बाद क्या आता है, फेरिंग्स, देन कम्स लैरिंग्स, दिस इज ट्राकिया, ठीक है, यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। वॉट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन द ट्रैकिया? इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स, इट प्रिवेंट्स कोलैप्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस ट्राकिया विल ओपन इन टू द ब्रोंकाई, देन कम्स ब्रोंक्यूल्स, वो सब डिवाइड डिविजन हो जाते हैं उसमें ब्रोंक्यूल्स के, ये देखो आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, देन ब्रोंक्यूल्स ओपन इन टू एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का क्या फंक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई। सो दिस इज अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको इसका सीक्वेंस याद करना है। ये देखो ये एल्वियोलाई है, ऐसे ब्रोंकाई सबसे पहले क्या होता है, अगेन यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस, नेजल पैसेज, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्राकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन द ट्राकिया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स, यू कैन नाउ टेल द आंसर। सो इस पर्टिकुलर डायग्राम से I told you many questions that can be framed in your board exams and directly. इसमें कोई भी indirect question नहीं है। Alveoli का function पूछ सकते हैं आपसे, आपसे पूछ सकते हैं इसका sequence बताइए क्या है। Second question that can be framed from this diagram. Third question that can be framed from this diagram is what is the function of the rings of cartilage in the trachea? And the fourth function may be alveoli का क्या function होता है? Fifth question क्या हो सकता है इसमें, कि आपको ये diagram दे देंगे and then they will there will be a numbering 1, 2, 3 and then they can ask you to label the diagram or they can directly ask you to make the diagram and explain the human respiratory system. So this is also the question that can be framed from this particular diagram. Now I have told you 5 to 6 questions from this particular diagram that can be framed. Theek hai? See, this is the sequence, nostrils, then nasal passage, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs, you know that, bronchioles, alveolar, alveoli or alveolar sac. इसमें क्या होता है, फिर आता है blood capillaries, ठीक है, इसमें क्या होता है, basically exchange of gases take place, right? Now let's talk about the breathing mechanism. The breathing mechanism of lungs is controlled by the diaphragm. I told you in the previous lecture series what is diaphragm. अगर आपने वो lecture series नहीं देखी then please go through that particular lecture series. I have already explained it to you. What is the function of diaphragm and what is diaphragm actually? And the intercostalis muscles. ठीक है, तो ये जो breathing mechanism है lungs का, that is controlled by the diaphragm and which type of muscles? Intercostalis muscles.
एंड वॉट इज अ डायफ्राम? इट इज अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स, अगेन यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है, इट इज अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट द थोरेसिक चैम्बर फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, नाउ आई हैव वेरी वेल एक्सप्लेन वॉट इज डायफ्राम इन द प्रीवियस लेक्चर सीरीज, एंड प्लीज गो बैक टू दोस लेक्चर सीरीज एंड वॉच वॉट इज अ डायफ्राम. अदरवाइज आपको ये तो याद ही रखना है, इट इज अ मेम्ब्रेन बेसिकली विच सेपरेट्स द थोरेसिक चैम्बर फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन, अब ब्रीदिंग मैकेनिज्म में पूरा डायफ्राम का ही रोल है. जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है तो व्हाट व्हाट हैपेंस इज लंग्स, व्हेन डायफ्राम मूव्स डाउन लंग्स एक्सपैंड एंड एयर इज इनहेल्ड. एंड सिमिलरली व्हेन डायफ्राम मूव्स अप तो लंग्स क्या करेंगे, कंट्रैक्ट कर जाएंगे एंड एयर इज एक्सहेल्ड. ठीक है, तो ये फंक्शन है. अगर डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा तो लंग्स क्या, खुद सोचो आप, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो लंग्स है, लंग्स एक्सपैंड कर जाएंगे एंड व्हेन द लंग्स एक्सपैंड इट मींस दे वांट मोर एयर, सो एयर विल बी इनहेल्ड. व्हेन द डायफ्राम मूव्स अप, जब डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा तो लंग्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनमें से एयर बाहर की तरफ निकलेगी एंड एयर इज एक्सहेल्ड. सो दिस इज बेसिकली द ब्रीदिंग मैकेनिज्म. नाउ दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. यू कैन सी हियर डायफ्राम, दिस इज डायफ्राम बेसिकली. ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है. वॉट इज डायफ्राम? इट इज अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. नाउ सी, डायफ्राम मूव्स अप, ऊपर की तरफ मूव करेगा तो लंग्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एयर विल बी एक्सहेल्ड आउट. राइट, इसके ऑपोजिट क्या होगा, जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा तो लंग्स क्या करेंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे और व्हेन लंग्स विल एक्सपैंड तो क्या होगा, इनहेल द एयर विल बी इनहेल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एंड दिस ब्रीदिंग मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन डायफ्राम मूव्स अप, जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, अगर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सहेल, यानी कि एयर विल मूव आउट. ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से समझा दिया है, होप यू अंडरस्टूड दिस. और अगर डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा तो एयर क्या करेगा, मतलब लंग्स क्या कर जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे. ठीक है, और अगर लंग्स एक्सपैंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, लंग्स कोई भी चीज अगर एक्सपैंड कर रही है तो खुद सोचो क्या होगा, दे वांट मोर एयर. राइट, सो इनहेल करेगा वो, एयर विल बी इनहेल्ड. इनहेल का मतलब अंदर जाना, एक्सहेल का मतलब बाहर जाना. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. This is the difference between inhalation and exhalation. ये आप खुद भी लिख सकते हो. During inhale, inhale जब कर रहे हैं तो thoracic cavity क्या कर रही है, expand कर रही है. तो ribs left upwards, ऊपर की तरफ ribs, ribs की बात हो रही है. Ribs ऊपर की तरफ move करेंगे. Diaphragm becomes flat in shape and volume of lungs increases क्योंकि air अंदर जा रही है, air inhale कर रहे हैं lungs, right? Similarly, इसके opposite हो जाएगा. Exhale जब करेंगे तो thoracic cavity क्या करेगी, contract करेगी. रिब्स क्या करेंगे, दे विल मूव डाउनवर्ड. राइट, नाउ डायफ्राम बिकम्स डूम शेप, डूम शेप का डायफ्राम बन जाएगा एंड वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या करेगी, डिक्रीज करेगी क्योंकि एक्सहेल हो रहा है, एयर एग्जिट कर रही है लंग्स से. ओके, सो